हेलो सेजिटेरियस धनुराशि, चलिए देखते हैं ये वीक कैसा रहने वाला है आपका। 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक की आपका पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी और गाइडेंस क्या है, चलिए। थैंक यू शिवकामा, थैंक यू सो मच। सेजिटेरियस धनुराशि, पर्सनल लाइफ सेजिटेरियस टोटालिटी, प्रोफेशनल लाइफ हार्मनी। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो टोटैलिटी का कार्ड है। थोड़ी से यहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं आपकी अपनी फैमिली के साथ, स्पाउस के साथ, या फिर जो अगर आप पार्टनर रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी यहाँ पे थोड़े से क्लैशेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा गुस्सा यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ईगो फाइट्स होती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ हो रही हैं, मतलब कहने का मतलब है कि हो सकती हैं, लेकिन आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर एक साथ चलने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कुछ चीज़ों को, अगर क्योंकि ये आपका पर्सनल एरिया है, ठीक है। पर्सनल एरिया इन द सेंस आपके जो नेबरहुड है, आपके फ्रेंड सर्कल है, वो भी हो सकते हैं। तो इस वीक थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। अगर ऐसी कुछ फाइट्स या कुछ ऐसी कम्युनिकेशन आप लोगों की होती है तो उससे बचिए, और अगर हो ही रही है तो उनसे थोड़े देर के लिए गैप कर लीजिए। ज़्यादा अगर आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो वो चीज़ें बढ़ेंगी ही। तो बेसिकली इस एनर्जी को थोड़ा समझदारी से इस हफ्ते आपको हैंडल करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, जब चीज़ के बारे में पता नहीं हो तो इंसान को पता ही नहीं चलता है और इंसान इन्वॉल्व हो जाता है और चीज़ें बिगड़ जाती हैं। लेकिन जब आपको इन चीज़ों के बारे में पहले से ही पता चल गया है तो जो पर्सन है वो थोड़ा केयरफुल हो जाता है ऐसी एनर्जीज को लेकर के। तो बेसिकली एग्रेशन से, गुस्से से या ऐसी बातों से थोड़ा बचने की यहाँ पर ज़रूरत है इस वीक आपको पर्सनल एरिया में, ठीक है। और यही अगर हम बात करते हैं आपके प्रोफेशनल एरिया की, तो हार्मनी आ रही है, जो भी चीज़ें हैं बहुत आपको सुकून देने वाली है, बहुत पीसफुल माहौल रहने वाला है। अगर अभी तक आपके आपके अराउंड अगर आपको ऐसी एनर्जीज फील हो रही थी कि बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, तो इस हफ्ते आपको बहुत राहत मिलने वाली है, ठीक है। आपको सुकून बहुत मिलेगा और कुछ ना कुछ है यहाँ पे आपको आपके प्रोफेशनल एरिया में इस वीक आपको मिलते हुए या उसको लेकर के बहुत सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है, क्योंकि ये 10 of Cups की एनर्जी है। कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है या कुछ न्यूज़ या कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे एक ट्रॉफी दिखाई दे रही है, जैसे कुछ अचीव आप कर रहे हैं इस वीक अपने प्रोफेशनल एरिया में। तो वो जिसे कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन, एक अंदर से मेंटली सेटिस्फाइड आप इस वीक अपने प्रोफेशनल एरिया में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच। ओके, मुझे एक ही चाहिए तो जो पहले आया है मैं वही ले लेती हूँ। रिवीलिंग रेडियंस, माय लाइट इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी लाइट को बिखेरने के लिए। ओके सेजिटेरियस, इस वीक आपके लिए जो मेन गाइडेंस है विद दिस कार्ड, कि आपको ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, चाहे वो आपका पर्सनल एरिया हो चाहे वो आपका प्रोफेशनल एरिया हो, ठीक है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे आप बहुत चीज़ों को यूं ही हैंडल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिवीलिंग रेडिएंट, आप बहुत, ये वीक आपका वैसे बहुत काम रहने वाला है। ये जो एनर्जी आई है ना आपके पर्सनल एरिया की, ये कुछ वक्त की एनर्जी है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। लेकिन अगर जहाँ आप काम है, आप शांत हैं, आप बैलेंस में हैं अंदर से और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, आप पहले से ही भाप जाते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, वहाँ इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि इस वीक आपको अपने इंट्यूशन पे फोकस करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट रहने वाली है। बस प्रॉब्लम वहीं आ जाती है कि जहाँ आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन पीक पर रहने वाली है और आप बहुत यहाँ पर जिसे कहते हैं कि रेडिएंट, बहुत चमकेंगे। मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ ऊर्जा यहाँ पे मिल रही है,
कि आपके पर्सनल एरिया में कुछ ना कुछ सॉरी प्रोफेशनल एरिया में यहाँ पे कुछ ना कुछ है आपको, जैसे कुछ अचीव मिल रहा है कि आप शाइन कर रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइट जैसे लोगों को दिख रही है और वहीं आपको भी वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और ये किस वजह से है कि आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करा है, आपने अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करा है, तो वही ऊर्जा यहाँ पे भी आ रही है। इसलिए आपको बोला जा रहा है ये वीक रहेगा कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये बहुत छुटपुट सी एनर्जी है, ये मैटर ज़्यादा नहीं करती है, ठीक है। तो यस, ये थी सैजिटेरियस आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।